अस्सलाम वालेकुम, लाइफ इज सुबह में आप सबका बहुत वेलकम है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत चटपटी मज़े की बिरयानी। और तकरीबन एक साल के बाद दोबारा से स्टार्ट किया है तो टेस्ट आपको वैसा ही मिलेगा बल्कि उससे बेटर मिलेगा। मैंने ली है 5 करूँगी ऑयल और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब अपना प्याज। हम इसे करेंगे लाइट सा गोल्डन ब्राउन। प्याज हो रहा है गोल्डन ब्राउन और जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें और फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है नमक, कुछ पिंच ऐड करूँगी। टोटल नमक की जो क्वांटिटी है वो ऐड नहीं करूँगी अभी, सिर्फ इसके ताकि ये प्याज जो है वो मीठा ना रहे, थोड़ा सा हंडिया की शक्ल में नमकीन हो जाए। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर, टमाटर ऐड करेंगे हम एंड में। पहले हम ऐड करेंगे चिकन को, जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाएँ अपनी इस रेसिपी को। ये क्वांटिटी है मेरी हरी मिर्चों की और आप देख रहे होंगे कुछ थोड़ी सी ज़रा हार्ड हो रही है, ये मैंने खुद ही ऐसी ली हैं क्योंकि मुझे डिफरेंट शेड्स की हरी मिर्चें पसंद हैं तो इसलिए मैं हर तरह की रेड ग्रीन लाइट सा ग्रीन कलर ऐड करती हूँ। ये आपकी बिरयानी को बहुत मज़े का कलर भी देते हैं, कलर इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये देखें प्याज हो गया है लाइट सा गोल्डन ब्राउन और जैसे ये लाइट सा गोल्डन ब्राउन हुआ है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों को। प्याज हो चुका है हमारा गोल्डन ब्राउन और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब अपने जो ग्रीन मिर्चें हैं और टमाटर हैं। पहले हम ऐड करेंगे ग्रीन मिर्चें और उसके अंदर बाद ऐड करेंगे नमक और फिर उसके बाद टमाटर। याद रखिए हरी मिर्च मैं ऐड कर चुकी हूँ, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन को और साथ ही मैं ऐड करूँगी गरम मसाले। ये तकरीबन मैंने लिया है चिकन 2 किलो और अब मैं इसको ऐड करूँगी अपनी इस जो मसाला मैं भून रही हूँ उसके अंदर। चिकन मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब थोड़ा सा मैं इसे फ्राई करूँगी। तैयार हो रही है मेरी चाय, मेरा एनर्जी लेवल ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, जैसे कि आप जानते हैं कि बगैर चाय के मेरे से काम नहीं होते। चाय होगी तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो काम होगा, इसलिए अगर आपको कोई काम करवाना है तो पहले चाय। ये पक रही है मेरी चाय और ये कैसे हो सकता है कि खाना बने और मेरी चाय ना हो, मेरी एनर्जी लेवल। ये तैयार हो रही है मेरी चाय और बहुत ही मस्से की भीनी भीनी सी खुशबू है जो कि बिरयानी की और चाय की मिक्स होकर आ रही है। चाय हो गई है मेरी रेडी और अब मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बहाल हो जाएगा। साथ साथ मैं चाय पीऊँगी और साथ साथ कुकिंग भी करेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी कुकिंग को। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और ये एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, सब इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। तो हम इन्जॉय करेंगे, साथ साथ चाय पियेंगे, साथ साथ अपना खाना बनाएंगे और टाइम को स्पेंड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चिकन फ्राई हो गया है और ये हो रहा है गोल्डन ब्राउन और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े की लुक आ रही है इसकी, बहुत मज़े का टेस्टी लग रहा है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जैसे मैंने बताया था गर्म मसाले, ये मैं ऐड कर रही हूँ गर्म मसाले। और ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची और इसके अलावा काली मिर्च। इसके अंदर मैंने ऐड की है लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और इसके अलावा इसके अंदर मैं कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी। बाज़ार में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लेकिन जो आपकी घर की लाल मिर्च और नमक का टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसे ट्राई कीजिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर को छोड़ के अपने हाथ के जो टेस्ट है वो डेवलप करें। ऐड कर दिया मैंने टमाटर और अब मैं ये जो टमाटर हैं इसके अंदर खुद ही जो है वो पानी छोड़ देंगे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिए हैं तकरीबन चावल हैं इस वक्त, आप समझ लें कि ये 5 गिलास चावल हैं और ये तकरीबन बनेंगे मेरे 3.5 किलो।
बहुत मज़े की भीनी भीनी सी बिरयानी की खुशबू पूरे घर में महक चुकी है, फैल चुकी है। और साथ ही मैंने रख दिया है एक बड़ा सा पतीला जो कि हम बनाएंगे, जिसके अंदर चावल और ये उबलने के लिए रख दिया है मैंने। इसके अंदर पानी के अंदर ऐड किया है सिर्फ अभी नमक, आप ऐड कर सकते हैं दालचीनी, कड़ी पत्ता और इसके अलावा हरी मिर्चें, पर मैं वो ऐड नहीं कर रही क्योंकि मुझे ज़रा स्पेशल टाइप की बिरयानी बनानी है, तो मैं सब कुछ इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। मेरा मसाला तैयार है और अब मैं चावल बॉयल करूँगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं चावल कैसे बॉयल होते हैं, इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, तो इसीलिए मेरे बालों का स्टाइल भी देखो ज़रा। मैंने कराई है कटिंग और मैं इसका एक नेक्स्ट एक पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी कटिंग कराई है, कैसी कराई है। मेरी पहली लेंथ शायद आप लोग जानते हो मेरे बालों की कितनी थी, तो आप वाली लेंथ के बारे में आप मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको कैसा लगा। DM करें चाहे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बिरयानी चाहिए तो आप मुझे स्पेशल कॉन्टेक्ट कीजिए, ये स्पेशल बिरयानी आपके घर तक पहुँचेगी और आपको मिलेगी। टेस्टी खाने के लिए इंजॉय कीजिए घर में, ऑफिस में, अपने बच्चों के लीजिए हेल्थी लंच। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बहुत एक मज़े की, क्योंकि हम जाएंगे बाहर और हम इंजॉय करेंगे, एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के बच्चे होंगे सारे और जाएंगे फैमिली वीडियो बनाएंगे, बहुत मज़े। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, धीमे धीमे से पानी भरने खड़ी है और आप देख सकते हैं कि चावल की खड़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपका चावल ना टूटे और आपका चावल खड़ा रहे। चावल भी खड़ा है और जो है स्पाइसी जो मसाले हैं वो भी बिल्कुल एक एक्यूरेट हैं। खाना हो गया है तैयार और बहुत ही मज़े का खाना बना, सबको बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी मैं, तब तक देखते रहिए लाइव विद सोबा। और अगर आपको कुछ सीखना है तो वो रेसिपी में कोई रेसिपी है कोई बताइए मुझे। और अगर आपको कोई मुझे टिप्स देना चाहते हैं, मुझे सिखाना चाहते हैं, तो जरूर मुझे मैसेज करें, मुझे अच्छा लगेगा। आपने मुझे बताया, मुझे मेरे इल्म में मेरे नॉलेज में इजाफा किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए और जो है आसानियाँ पैदा कीजिए लोगों के लिए।